ली हूँ जो टूटी फूटी प्लेन ब्रिटानिया केक है, जिसको हम टीन में नहीं आज हम एल्युमिनियम फाइल में बनाएंगे, जो बहुत इजीली आसान बन जाएगी और आप कहीं भी ले जा सकते हैं। तो फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। पहले हम दही लेंगे, 1/2 कप दही, जिस दही हमारी ताज़ी होनी चाहिए और खट्टी नहीं होनी चाहिए, खट्टी रहेगी तो केक हमारा अच्छा नहीं बनेगा। दही को हम थोड़ी सी बीट कर लेंगे। दही में थोड़ी गुट्टे नहीं होनी चाहिए, दही हमारी हमारी स्मूथ हो चुकी है। इसमें हम शुगर पाउडर डालेंगे, जो नॉर्मल शुगर जो हम घर पे यूज़ करते हैं, 1 कप है, तो हम इसको पीस के पहले से ग्राइंड करके रखी हुई हूँ। इसको भी बीट करेंगे, दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोनों से अच्छा हमारा मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे, 3/4 कप, आधा कप ये रिफाइंड ऑयल। ये ऑयल बिल्कुल वो कोई भी फ्लेवर का नहीं है, ये बिल्कुल इसमें कोई महक नहीं होती है, वो रिफाइंड हम यूज़ करेंगे। सनफ्लावर पीनट्स ऑयल हम नहीं यूज़ करेंगे इसमें। इस तीनों मिक्सचर को हम अच्छे से बीट कर लेंगे। हमारे तीनों चीज़ में अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे मैदा। मैदे को लेने के लिए हम एक पहले अच्छी छन्नी लेंगे। 1.5 कप मैदा है, पहले 1 कप मैदा, ये 1/2 कप और अच्छे से इसको हम इसमें हम बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा भी डालेंगे। 1/2 स्पून ये है मेरा बेकिंग पाउडर, 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा। तीनों लिक्विड फॉर्म को हम अच्छे से स्टैंड कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे नमक, नमक से हमारा टेस्ट केक का टेस्ट अच्छा हो जाएगा। अब अच्छे से हम इसको स्टैंड कर लेंगे तीनों लिक्विड। तीनों मैदा और हमने उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे वनीला एसेंस, वनीला एसेंस से 1 टीस्पून। इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे दूध, दूध हम आराम से डालेंगे, धीरे धीरे करके डालेंगे ताकि हमारा मिक्सर बहुत लिक्विड ना हो जाए। केक का ये बेटर हमारा थिक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। हमारा दूध भी अच्छे से मिक्स हो चुका है, जबकि हमसे मेरे 1/2 कप दूध डाली हूँ और 1/2 कप दूध बच चुका है, मैं यानी 1/2 कप दूध इसमें हमें डाली हूँ। इसमें हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स काट के, जिसमें काजू और नट्स ली हूँ और टूटी फूटी है, इसको हम इसमें डालेंगे केक में। इसको डालने से पहले हम थोड़ा सा इसमें मैदा डालेंगे ताकि इसको डालना से केक में डालने में हमारा ये टूटी फूटी और ड्राई फ्रूट्स बैठ जाता है। हल्के से मैदे से हम इसको रब करेंगे। काजू बादाम और अखरोट है और इसमें टूटी फूटी, टूटी फूटी मेरे बस एक ही है और कलरफुल नहीं है, आप कलरफुल भी डाल सकते हैं। इसको हम मिक्स करें, कट एंड फोल्ड के अनुसार हम ये इसको वेटर को हम करेंगे ऐसे लाए और फिर ये बीच से हम ये कट एंड फोल्ड करते हैं।
ये हमारा बैटर तैयार हो चुका है केक का। अब केक हम एल्युमिनियम फाइल में बनाएंगे दोस्तों, हमने पहले भी बताया है बहुत इजी तरीके से। आपके पास केक की टिन ना हो तो आप इसमें बना सकते हैं, इसलिए हमने इसको पहले हम थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे ऑयल से। पूरी फुल हम नहीं करेंगे ताकि बेटर हमारी ऊपर की तरह ये बेक होगा तो उठेगा। इसको थोड़ा टप कर देंगे। अब हम ये ऊपर से ये हम इसको इडली के सांसे में कर बना रही हूँ। हम इसको पहले से हीट करने के लिए पहले से रख गर्म किए हैं, गैस ऑन है, लो मीडियम पे है। अब ये गर्म हो चुका है, इसमें हम छोटा सा प्लेट रखे हैं जिसके ऊपर हम ये रखेंगे। 20 से 25 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे ताकि हमारा केक अच्छे से पक जाएगा। इसको हम इडली के स्टैंड में हमने बनाया है, देखिए केक हमारा अच्छे से फट के दम बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो केक जो 20 से फट जाए तो समझिए मेरा केक बहुत अच्छे से बन गया है। इसके टाइमिंग टाइम लगा है 50 से 55 मिनट में हमारा दोनों केक तैयार हुआ है। तो देखिए इसको मैं आपको काट के दिखाती हूँ, एकदम स्पंज। ये भी बिल्कुल पूरी तरह से मेरा केक ठंडा नहीं हुआ है। देखिए अच्छे से मेरा केक बन गया है। केक कितना इजी था ना बनाना, तो केक अब बताइए आप मेरे केक को शेयर कीजिए और अपने यहाँ भी बनाइए, कमेंट करके बताइए केक कैसा था। तब तक के लिए बाय बाय, फिर नई रेसिपी लेके आएंगे।